नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। ये खबर पुरुषों के लिए है और पुरुषों में भी उन पुरुषों के लिए जो अपने आप को मर्द समझते हैं। जी हां, पत्नी को प्रेग्नेंट करो और साथ में 8 लाख रुपए ले जाओ। ये डबल बोनांजा अगर किसी को मिलेगा तो कौन मना कर सकता है। लेकिन पहले पूरी खबर देख लीजिएगा, क्योंकि कहानियां जितनी खूबसूरत होती है उसका अंत उतना ही विद्रूप और भयानक होता है, और इस कहानी में भी अंत में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए सारे मर्द और पुरुष अपने आँख, कान, नाक, बाकी सब कुछ खोल ले और सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये लाइन सुनकर आपके मन में भी लड्डू फूटने लगे होंगे कि पत्नी भी मिलने वाली है और 8 लाख रुपए भी मिलने वाले हैं। ये तो डबल धमाका है, लेकिन असली धमाका अब होने वाला है। दरअसल खबर ये है कि दिल्ली बेस्ड एक बड़ी कंपनी है जो ये दावा कर रही है कि जो निसंतान दंपत्ति है, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को ये सेवाएं मुहैया कराती है। और इस कंपनी को ऐसे पुरुषों की तलाश है जो उन निसंतान दंपत्तियों की मनोकामना को पूर्ण कर सके। 1 साल का वो समय देती है कंपनी और साथ में मिलते 8 लाख रुपए। करना बस इतना होता है कि एक महिला को आपको गर्भवती करना है। अगर आप ये कर देंगे तो 1 साल के आपके रहने, खाने, पीने के सारे पैसे और सारे मजे के साथ अंत में आपको 8 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये दावा एक दिल्ली बेस्ड बड़ी कंपनी करती है, ऐसा मिस्टर अशोक कुमार ने बताया है। अब आप कहेंगे कि ये भारत में कहां संभव है, यह खबर कहीं विदेश की होगी। तो बिल्कुल नहीं, ये भारत की यह खबर है, और भारत में खबर आई है राजस्थान से। उस राजस्थान से जहां अभी सरकार बदली है और नए नए सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, उसी राजस्थान में मिस्टर अशोक कुमार रहते हैं। उन अशोक कुमार के पास एक फोन आता है दिल्ली बेस्ड कंपनी का और उनको ये ऑफर दिया जाता है। अशोक कुमार इतना सुनहरा और शानदार ऑफर कैसे ठुकरा सकते थे, उन्होंने भी ऑफर के लिए हाँ कह दी। उसके बाद प्रोसेस शुरू हुई और उस प्रोसेस शुरू होने में अशोक कुमार के साथ जो हुआ, अंत में उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा और तब इस खबर का खुलासा हुआ कि असल में हो क्या रहा है। दरअसल राजस्थान के रहने वाले अशोक कुमार के पास एक कॉलर का सबसे पहले फोन आता है और वो बताता है कि दिल्ली बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करता है और ये कंपनी जो है निसंतान दंपत्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराती है, और इस कंपनी को ऐसे पुरुषों की तलाश है जो इन निसंतान दंपत्तियों के घर में किलकारियां गूंजा सके। तो अशोक कुमार इस काम के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि अशोक कुमार को 8 लाख रुपए इनाम में मिलने की बात की जाती है। जो कॉल करने वाले लोग हैं वो अपना नाम अशोक कुमार को विकास शर्मा और आलोक कुमार बताते हैं। इन कॉलर ने कहा कि अगर आप हमारे इस ऑफर के लिए तैयार हैं तो हम आपकी उस निसंतान दंपत्ति से बात कराएंगे जिनके काम के लिए आपको हायर किया जाएगा। तो अशोक कुमार ने जब हामी भर दी तो उसके बाद अशोक कुमार की बात एक प्रिया वर्मा नाम की लड़की से कराई जाती है। प्रिया वर्मा वो जो गर्भवती होना चाहती है और जो क्लाइंट है उस कंपनी की, ये बताया गया। उसके बाद वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि 1 साल तक इस महिला के साथ आपको रहना होगा, समय व्यतीत करना होगा और एक साल के दौरान इस काम को आपको अंजाम देना होगा। उसके बाद एक विशाल नाम का शख्स भी इनसे फ़ोन पर बात करता है। वो अपने आप को प्रिया वर्मा का पति बताता है और वह कहता है कि हाँ, हम इस काम के लिए तैयार है और मैं अपनी पत्नी के लिए आपको हायर कर रहा हूँ और मैं आपको 8 लाख रुपए भी दूंगा अगर आप मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट कर देंगे। ये विशाल नाम का व्यक्ति खुद मिस्टर अशोक से कहता है। क्लाइंट को अपने झांसे में लेने के लिए विशाल ये भी कहता है कि मेरी पत्नी बहुत डिप्रेस्ड है, उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है और इसलिए मैं अपनी पत्नी को दूसरे के हवाले करने के लिए तैयार हुआ हूँ, ताकि लोगों के मनोभाव के साथ खेला जा सके। इसके बाद मिस्टर अशोक तैयार हो जाते हैं। रुपए का लालच और एक पत्नी जब मिल रही हो तो कौन पुरुष तैयार नहीं होगा, तो अशोक कुमार भी इस लालच में तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होती है असल कहानी। कंपनी ने सबसे पहले मिस्टर अशोक से कहा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक 500 रुपए का शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क भरना होगा, ताकि कंपनी में
आपको एज अ मेंबर के तौर पर हम इंट्रोड्यूस कर सके। जाहिर सी बात है रकम बहुत छोटी है, 500 रुपए कौन नहीं खर्च कर सकता, तो अशोक कुमार ने इसके लिए हामी भर दी। 500 रुपए कंपनी को ट्रांसफर किए, रजिस्ट्रेशन अशोक कुमार का हो गया। उसके बाद अशोक कुमार से कंपनी ने फिर 500 रुपए की डिमांड की और इस बार ये डिमांड एक स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए थी। अशोक कुमार ने ये पैसे भी दे दिए। इसके बाद एग्रीमेंट तैयार करने के लिए अशोक से फोटो मंगाई गई और 4,149 रुपए की फिर डिमांड रखी गई। अशोक कुमार ने सहर्ष इसे भी स्वीकार कर लिया और ये पैसे भी दे दिए। इसके बाद कहा गया कि अब 1,00,000 रुपए का एडवांस मिस्टर अशोक के खाते में आएगा, लेकिन उसके लिए पहले वकील की फीस अशोक को चुकानी पड़ेगी। तो वकील के लिए कुछ फीस मांगी गई, वो भी अशोक ने दे दी। इसके बाद प्रिया वर्मा से मुलाकात कराने के लिए मुंबई में एक लग्जरी होटल का कमरा बुक कराने के नाम पर 10,500 रुपए अशोक कुमार से फिर मांगे गए। अशोक कुमार ने ये भी दे दिए, लेकिन उसके बाद अशोक कुमार से कहा गया कि मुंबई के एक अपार्टमेंट में जहां प्रिया के साथ उन्हें 1 साल तक अकेले रहना है, उसके लिए एक कमरा बुक करना होगा, एक घर लेना होगा और उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेने के लिए साल भर का किराया आपको एडवांस देना होगा। ये पैसे आपको कंपनी की ओर से बाद में मिल जाए, लेकिन शुरुआत में आपको देने हैं जो 2,26,000 रुपए होते हैं। अशोक कुमार ने ये भी दे दिए क्योंकि अशोक कुमार को 8,00,000 रुपए और एक सुंदर सी पत्नी उनके नज़रों के सामने दिख रही थी। तो अशोक कुमार अंधे हो चुके थे और उन्होंने ये पैसे देते गए। लेकिन इसके बाद खेल शुरू हुआ। कंपनी ने एक फेक एग्रीमेंट बनाया। उस फेक एग्रीमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर एक पुलिस अफसर की फ़ोटो लगी हुई थी, वो अशोक कुमार को भेजा। इस तरह से अशोक कुमार को अपने जाल में इन्होंने फंसाया कि अशोक कुमार सब कुछ करते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद 10,00,000 रुपए की कंपनी ने डिमांड कर दी। 10,00,000 रुपए इसलिए मांगे गए कि आप अगर ये पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ और उस एग्रीमेंट में 1 साल तक प्रिया के साथ रहने का आपने वादा किया है, और अगर आप प्रिया के साथ नहीं रहते, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, तो आपको आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब अशोक कुमार समझ चुके थे कि उनके साथ खेल हो रहा है और उनको ठगा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। इसके बाद अशोक कुमार के पास कोई चारा नहीं था, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसके बाद ये मामला सामने आया है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि अशोक कुमार 2 बच्चों के पिता हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अशोक कुमार के माता पिता भी परेशान हैं और ये ठग जो है बार बार अशोक कुमार को फ़ोन करके धमका रहे हैं, क्योंकि अशोक कुमार की बैंक डिटेल से लेकर गूगल पे, पेटीएम, सारे के सारे अकाउंट नंबर और सारी की सारी जानकारियां, दस्तावेज इन ठगों के पास अशोक कुमार दे चुके हैं। इसलिए अशोक कुमार को ये अब ब्लैकमेल कर रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। अब वकील के जरिए पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है और अशोक कुमार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो खबर अगर पुरुष देख रहे हों तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और ठग जो है नए नए तरीके से लोगों को ठगने के तरीके ढूंढ रहे हैं और उसे लोगों को ठग रहे हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि वीडियो कॉल करके लड़की MMS बनाकर, फेक MMS बनाकर लोगों को ठगा करती थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी और पति को हायर करने के नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फ़ोन आए तो मन में लड्डू फूटने के बजाय दिमाग लगाएं, इस तरह के झांसे में कभी ना आएं, क्योंकि इस तरह की बात भारत में कभी हो नहीं सकती, इस तरह की सर्विसेज भारत में कभी शुरू हो नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए लीगल प्रोसेस है और उसके लिए अभी तक लीगल कोई कानून ऐसा भारत में नहीं बना है। ये अनैतिक के साथ साथ गैर कानूनी भी है, इसलिए भारत में इसकी मान्यता नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फ़ोन आए तो सतर्क रहे, सावधान रहे और इस तरह के किसी झांसे में न आए। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के ठगों से अवगत हो जाए और उनके पास भी अगर इस तरह के कोई फ़ोन आए तो वो भी इस 420 में फंसने से बच सके। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK News। नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।